भारतीय संस्कृति अपने आप में एक प्राचीनतम संस्कृति रही है। इसलिए भारतीय संस्कृति के साथ साथ देवी देवताओं के मंदिर भी दुनिया भर में हैं। कुछ मंदिर ऐसे हैं जो उन देशों के लिए पर्यटन का बड़ा केंद्र भी बन गए हैं। बाली, बैंकॉक, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि में तो मंदिर हैं ही। अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड सहित अधिकतर देशों में हिंदू देवी देवताओं को पूरे सम्मान के साथ पूजा जाता है। कई मंदिरों में तो भारतीय बहुत कम, विदेशी बहुत ज़्यादा हैं। आइए आज हम आपको ऐसे ही विदेशों में बने कुछ भव्य मंदिरों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में आज के हमारे देश में कई लोगों को नहीं पता होता है। तो आपसे आशा करूँगा ये वीडियो पूरी देखें। ताहना लोट मंदिर, बाली। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर इंडोनेशिया के बाली में एक विशाल समूल चट्टान पर बना हुआ है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर 16वीं शताब्दी में निर्मित बताया जाता है। यह मंदिर अपनी खूबसूरती के कारण इंडोनेशिया के मुख्य आकर्षणों में से एक बताया जाता है। अतः यह मंदिर बाली द्वीप के हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। सुब्रमण्य देवस्थान, मलेशिया। 1890 में लाल कृष्ण पिल्लई ने वास्तु गुफा कोलामपुर के उत्तर में 13 किलोमीटर की दूरी पर भगवान गुरुगण की प्रतिमा स्थापित की थी। यह प्रतिमा भगवान गुरुगण की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाती है। स्वामी नारायण मंदिर, लंदन। इस मंदिर का उद्घाटन 1995 में किया गया था। स्वामी नारायण मंदिर गुजरात और दिल्ली में स्थित स्वामीनारायण मंदिर जी की श्रृंखला में ही आता है। मंदिर के निर्माण में जिन पत्थरों का प्रयोग हुआ था वह पहले किसी भी हिंदू मंदिर निर्माण में प्रयोग नहीं किए गए थे। राधा माधव धाम, अमेरिका। यह मंदिर भारत के बाहर स्थित विशाल मंदिरों में से एक है, जो 3300 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बना है। इसकी स्थापना स्वामी प्रकाशानंद जी ने 1990 में की थी। इस मंदिर के गुंबदों की ऊंचाई लगभग 90 फीट की है। परम्बानन मंदिर, मध्य जावा में बना यह परम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा व विशाल हिंदू मंदिर है। यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव, विष्णु व ब्रह्म को समर्पित है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। दुनिया भर के पर्यटकों के लिए परम्बानन मंदिर आकर्षण का केंद्र रहा है। इस मंदिर में त्रिदेव के साथ ही उनके वाहनों के भी मंदिर बने हुए हैं। पशुपतिनाथ मंदिर, नेपाल। यह काठमांडू का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण 11वीं सदी में करवाया गया था। बाद में 12वीं व 17वीं सदी में पूर्ण निर्माण किया गया। मंदिर के गर्भ में भगवान शिव की 1 मीटर ऊंची 4 मुंह वाली प्रतिमा है। गुरुगण मंदिर, सिडनी। गुरुगण मंदिर सिडनी के न्यू साउथ वेल्स में पहाड़ों पर स्थित है। सिडनी में गुरुगण भगवान के मंदिर का निर्माण यहाँ रह रहे तमिल व्यक्ति ने करवाया था। अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण लगभग 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इस मंदिर का इतिहास व वास्तुकला बहुत ही अद्भुत है। अफ्रीकी हिंदू मठ, जो कि घाना में स्थित है। अफ्रीकी हिंदू मठ की स्थापना धनानंद सरस्वती जी ने करवाई थी। इस मठ के होने पर भी यहाँ बहुत कम हिंदू हैं। इस मंदिर के अफ्रीकी भक्त बहुत ही सख्ती से धार्मिक नियमों व हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं। श्री वेंकटेश्वर मंदिर, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। यूरोप में भगवान वेंकटेश्वर का पहला मंदिर था। इसका उद्घाटन 23 अगस्त 2006 में किया गया था। यहाँ स्थित भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति लगभग 12 फीट ऊंची है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट दें।